भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जी हाँ, ये आपके सवाल ये आपका जहन में आ ही जाता होगा कि आखिर हमारा भारत कब भ्रष्ट से मुक्त होगा। लेकिन देखिए इन साहब को, ये तो बिल्कुल भारत सरकार की मोदी के वादों की पलीता लगा रहे हैं। देखिए इन साहब को, ये किस तरह से रिश्वत ले रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। ये मामला है बुलंदशहर का, जहां बुलंदशहर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी और सिकंदराबाद फायर ऑफिसर का ये वायरल वीडियो है, जिसमें सीएफओ खुलकर रिश्वत मांग रहे हैं, जबकि सिकंदराबाद फायर ऑफिसर सीएफओ के नाम पर रिश्वत के पैसे लेते साफ दिख रहे हैं। नहीं देते, हम जानते हैं वो आपको 10,000 देते तो बहुत बड़ी बात मानना। हम अपनी बातें नहीं कर, भाई गार्ड बत्ती जल रही है। सुनो शर्मा जी, आप इस पर हम विश्वास मुसलमान नहीं करते, हम इन पर विश्वास करते हैं। हमने आज तक अपने सीएफओ से कभी हक नहीं मांगा, ना कहा। हमें मिल गया तो खुश, नहीं मिल गया तो खुश। क्यों? इसलिए हमें 70,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, एक मेरी बेटी पढ़ा रही 22,000 रुपये मिल रही है, 92,000 रुपये हो गए। हमारी मिसेस दो भैंस रखती है, एक दरोगा की बीवी दो भैंस रख करके दूध देती है, एक भैंस पे 10,000 रुपये महीने में बचते हैं, 20,000 रुपये हुए, तो कितने हुए? 112,000 रुपये हुए जा करके। और एक छोटा सा मकान मैंने बना रखा है, 10,000 रुपये किराए पे हैं, 122,000 रुपये महीने मुझे आ रहे हैं। फिलहाल मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे 10-20 पैसा एक ऐसी चीज है, एक कहावत हिंदी की है कि नंगी को देख के सबका जी करता है, तो पैसा एक ऐसी चीज है, हम भी चाहेंगे हमें अपनी मैं करूँगा ऐसे रखो, पैसे की चिंता ना करो। आप देखो तुम उसे 10 दो या तुम्हें 20 दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं उसके बात करने पे। SPNI न्यूज के लिए बुलंदशहर से कपिल सिंह की रिपोर्ट।